नमस्कार। वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानने की विधि हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के लक्षण पर प्रकाश डालेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट मीन्स नाउन और अ प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट एक संज्ञा हो सकता है अथवा सर्वनाम, सर्वनाम में ही, शी, वी, इट एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल देखिए। जॉन वॉक्स टू स्कूल डेली। जैसे आपने पहले पढ़ा है, पहले वर्ब को हम आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब है वॉक्स। फिर सवाल पूछते हैं, हु वॉक्स टू स्कूल डेली, और आंसर है जॉन, जो एक व्यक्ति का नाम है। सो इट इज अ नाउन एंड इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का सब्जेक्ट। सिक्किम इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, इसमें वर्ब क्या है? इस। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस? आंसर है सिक्किम। तो ये वाक्य का सब्जेक्ट है और ये भी एक नाउन है, नेम ऑफ अ प्लेस। द बॉल इज अंडर द टेबल, पहले वर्ब क्या है देखा, वर्ब इज इस। क्वेश्चन, व्हाट इज अंडर द टेबल? एंड आंसर द बॉल, जो एक वस्तु का नाम है। तो यह भी एक सब्जेक्ट है जो एक नाउन है। वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, वर्ब वेंट। सवाल करते हैं, हु वेंट टू द मार्केट? आंसर है वी, विच इज अ प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन इस वाक्य का सब्जेक्ट है। अब दूसरा, कभी ऐसा होता है कि वाक्य में एक के बदले अनेक शब्द हो जाते हैं। अब ये शब्द क्या हैं? ये शब्द ऐसे हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। सेंटेंस देखिए, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हमने वर्ब को आइडेंटिफाई किया, वर्ब इज। क्वेश्चन पूछा, हु इज माई फ्रेंड? अब इसमें आंसर क्या है? आंसर केवल द बॉय नहीं है, बिकॉज द बॉय बोलेंगे तो विच बॉय। सो क्लियर होके बोला है, बच्चे को डिस्क्राइब किया गया है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट। तो ये पूरा द बॉय इन द ब्लू शर्ट इस वाक्य का सब्जेक्ट है। द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटिफुल, वर्ब लुक्स। क्वेश्चन पूछा, व्हाट लुक्स ब्यूटिफुल? और आंसर केवल द स्काई नहीं है, द ब्लू स्काई, नीला आसमान। सो द ब्लू स्काई इज द सब्जेक्ट। सो दिस इज अ केस व्हेन वी हैव मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक शब्द जो हैं वो सब्जेक्ट में आते हैं। अब ये तीसरा है सिचुएशन जहां मोर देन वन सब्जेक्ट एक सेंटेंस में होता है। तो एक वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य हो जाते हैं, तो इनको क्या करते हैं हम, वो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया गया है एक कंजंक्शन के माध्यम से, समुच्चय बोधक शब्द के माध्यम से। अब ये उदाहरण देखिए, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स। तो पहले हमने वर्ब को आइडेंटिफाई किया, आर। क्वेश्चन पूछा, हु आर सिस्टर्स? और आंसर क्या है? सीता एंड गीता। तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है सीता, दूसरी है गीता। अब दोनों को हमने जोड़ दिया है विद अ कंजंक्शन एंड। द बैट एंड बॉल आर ऑफ गुड क्वालिटी, वर्ब आर। क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑफ गुड क्वालिटी? आंसर द बैट एंड बॉल। इसमें दो वस्तु हैं, एक तो बैट है, दूसरा बॉल है, एंड दे हैव बीन जॉइन टुगेदर। किसके माध्यम से जोड़ा गया है? समुच्चय बोधक शब्द है एंड, उसके माध्यम से जोड़ा गया है। तो
तो सब्जेक्ट है द बैट एंड बॉल। अब नेक्स्ट विशेषता देखिए, कभी सब्जेक्ट क्या होता है, एम्प्टी सब्जेक्ट होता है। एम्प्टी सब्जेक्ट कब होता है, जब सेंटेंस में उस सब्जेक्ट का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं हो। इसका मतलब क्या है, द सब्जेक्ट डस नॉट हैव अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन। अपने में उस सब्जेक्ट का स्पष्ट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट है क्योंकि वो व्याकरण के तौर पर सब्जेक्ट के स्थान पर है, लेकिन ना वो एक नाउन है ना वो सामान्य एक प्रोनाउन है, वो क्या है, डमी प्रोनाउन है। ये उदाहरण के साथ देखिए तो समझ में आएगा। ये वाक्य पहले देखिए, इट फेल आउट ऑफ माई पॉकेट। अब इसमें सब्जेक्ट है इट, इट तो प्रोनाउन है। अब ये इट का मतलब क्या है, व्हाट फेल आउट ऑफ माई पॉकेट, इट तो सब्जेक्ट तो है, लेकिन इस सेंटेंस को समझने से ये पता लगता है कि पॉकेट में कोई वस्तु थी और वो वस्तु गिर गया है। सो इट का संबंध किससे है, उस वस्तु से है जो पॉकेट में था, तो ये संबंध बहुत ही स्पष्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट इज कोल्ड। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट, व्हाट इज कोल्ड, इट। लेकिन अब इट का मतलब क्या है, इट जो है वो किसी व्यक्ति के नाम या कोई स्थान या कोई वस्तु जो है उससे संबंधित नहीं है, तो इसलिए ये एक सर्वनाम तो है, प्रोनाउन है, बट इट इज नॉट ए नॉर्मल प्रोनाउन, तो उसको क्या कहते हैं, डमी प्रोनाउन। और जब डमी प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट के स्थान पर तो उसको एम्प्टी सब्जेक्ट कहा जाता है। ये सामान्यतः तब प्रयोग होता है जब हम मौसम की बात करते हैं या समय का उल्लेख करते हैं, जैसे इट इज गेटिंग डार्क। व्हाट इज गेटिंग डार्क, इट, तो ये भी एक एम्प्टी सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन जो है वो एक डमी प्रोनाउन है। अब ये अगला देखिए, इन्वर्टेड सेंटेंस। हम समझते हैं कि सामान्यतः एक वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो आरंभ में होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो सब्जेक्ट जो है वो अपना स्थान बदलकर वाक्य के अंत में हो। ये कब होता है, जब कोई लेखक या हो सकता है कोई कवि अपने जो लेख है उसमें एक विविधता लाने के लिए या किसी प्रकार से एक प्रभाव बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि सब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन करता है, तो वाक्य के पहले रखने के बजाय उसको वाक्य के अंत में रख देता है, इसलिए उसको इन्वर्टेड कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखिए, एक सामान्य सेंटेंस है पहले जिससे हम परिचित हैं, अ मंक लिव्स इन द डीप फॉरेस्ट। मंक का मतलब साधु सन्यासी, जो एक घने जंगल में रहता है, सो अ मंक लिव्स इन द डीप फॉरेस्ट, ये सामान्य वाक्य है। अब हम इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको हम उल्टा कर सकते हैं, इन द डीप फॉरेस्ट लिव्स अ मंक। अब दोनों वाक्यों में जो सब्जेक्ट है वो तो अ मंक है, बिकॉज हम बात किसके कर रहे हैं, मंक के बारे में, तो वो, लेकिन पहले में वो सेंटेंस के आरंभ में आता है, बाद में सेकेंड सेंटेंस में वो बाद में आता है। आप देखिए एक और सेंटेंस, अ फ्रॉग सैट अंडर अ बिग स्टोन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, फ्रॉग, उसकी बात कर रहे हैं हम, उसको जब हमने इन्वर्ट किया तो क्या हुआ, अंडर अ बिग स्टोन सैट अ फ्रॉग, तो अभी भी सब्जेक्ट फ्रॉग ही है, लेकिन हमने उसका स्थान बदल कर एंड में रख दिया है, तो ये इन्वर्टेड सेंटेंस का उदाहरण है। तो इस वीडियो में आपने सब्जेक्ट के विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया है, अब इस ज्ञान को दोहराने और सुदृढ़ बनाने के लिए teachya.com पर क्विक टेस्ट लें। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह लेक्चर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।